से जयपुर के ट्रेन का ब्लॉक अब यहाँ से वापस स्टार्ट होता है। हम आ चुके हैं जयपुर के स्टेशन पर, उतर चुके हैं। अब यहाँ से फटाफट जा रहे हैं होटल वगैरह देखेंगे। अभी यहाँ से पहले देखते हैं बाहर जाने का रास्ता किधर है, फिर होटल जाएंगे और फिर वहाँ थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो आके फिर निकलेंगे जयपुर घूमने। तो चलिए चलते अपन होटल की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं होटल में, बस अब तैयार वैयार हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब यहाँ पर आज किले वगैरह तो फोर्ट वगैरह तो घूमने नहीं जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सीधा, दो मंदिर है यहाँ पर, एक बिलरा मंदिर और एक गणपति जी का मंदिर, वो घूमने जाएंगे और फिर जयपुर का पूरा मार्केट घूमेंगे, वो घूमेंगे तो अपन वो इन्जॉय करते हैं। बस तैयार वैयार हो जाए और ये अभी इनके चाय वगैरह नाश्ता हो जाए लड़कियों के, फिर चलते हैं। और सेवम फार्मल खा रही है, उनकी चाय नाश्ता हो जाए बस फिर चलते हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ पूरा कम्प्लीट होने का। बहुत ही अच्छी एकदम मेरे लायक फीकी शुगर फ्री चाय, बट इनके लिए चाय में शक्कर कम है कि ज्यादा है? ना के बराबर है ये मैडम, ना ये मैडम को एकदम मीठी चाशनी चाहिए, शुगर फ्री चाय। और साथ ही में मेरा भी यही है, शक्कर है नहीं चाय में, अब चाय में शक्कर डलवाएंगे अगली बार से जब मंगवाएंगे होटल में। तो बस अभी तैयार हो गए, बस अब निकलते हैं मंदिर के लिए। तो पहले देखते हैं गणपति जी का मंदिर या बिलरा मंदिर, दोनों में से कौन से मंदिर जाते हैं, तो वहाँ निकलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिलरा मंदिर, अब यहीं पर दर्शन दर्शन करेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ का व्यू वगैरह देखते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ी पे एक शिव मंदिर भी है बहुत ऊपर। अभी ऑटो वाले भैया से पूछा तो वो साल में एक ही बार ओपन होता है मतलब शिवरात्रि पे, मतलब उसके लिए हम शिवरात्रि पे आएंगे। अभी रोड लगा वो लेंगे अपन, लेंगे बहुत जल्दी लेंगे, एक प्रॉपर्टी जयपुर में और एक प्रॉपर्टी इंदौर में। वाह भैया देखते हैं ब्लॉग के वोरा मंदिर, इधर इधर चलना अपने को। हाँ ले 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 ले, लड़कियों ने ना इनसे ना शॉपिंग वगैरह जल्दी जल्दी करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये 6-6 घंटे लगा देगी ये सब की। सुरक्षा परिषद के मोबाइल फोन कैमरा बैग पानी की बोतल ले जाना सख्त मना है। देखो अभी आप ले जाने की जरूरत नहीं है पानी की बोतल वगैरह।
ले जा सकते भैया? ठीक है भैया। गाइस देखो ये शिव मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है सिर्फ शिवरात्रि के लिए। ठीक है आप सब आना और मुझे साथ में लेकर जरूर आना। सो गाइस आप देख सकते हैं क्या करूं डायरेक्ट बोल सो गाइस क्या लोग सो गाइस सो से ज्यादा भी हो सकता है। गाइस देखो यहां पे कितना अच्छा नजारा हो चुका है। यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का। जान ले ले थोड़ा सफाई में आप दवाई सॉरी सफर में सफर में आप दवाई जरूर साथ में रखें। हाँ, ये सरदर्द वाले लोग साथ में बहुत घूमते हैं। अबे ये सो भाई यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं। इसके सफाई सफाई बहुत निकल रहा है मुंह से। इंदौर की याद आती है हमारी। गाइस हमारा इंदौर नंबर 1 है और हम चाहते हैं कि यहां पे और अच्छा पूरा देश नंबर 1 हो। पूरा देश नंबर 1 हो अपना अपना कंट्री पूरा फेमस हो। ये देखो बहुत पुरानी एंटिक कार जो 90s में चलती थी वो वाली कार है यार। नीचे जाने का रास्ता नहीं है इसलिए अपन नीचे नहीं जा सकते। नियमों का पालन नहीं कर रहे बहुत उल्लंघन कर रहे जैसे वहाँ दिखा है। फोटो लेना सख्त मना और ये वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है। चलो हम मंदिर के दर्शन वर्शन करता हूँ फिर आपको आगे बात करते। तो हमने बिरला मंदिर के दर्शन वर्शन कर लिए। जो भी फोटोज वगैरह हैं वो आपको ऐड हो चुके हैं। हमने देख ही लिए होंगे कि किस तरीके से हमने फोटो वगैरह क्लिक करवाए हैं। अब बस यहाँ से जूते उतर के चप्पल वगैरह पहन के यहाँ चार्जेस मिनिमम है जूते चप्पल के 5 रुपये हैं जोड़ी वाइज 1 रुपया पर जोड़ी वाइज। तो जूते उतर पहनते हैं फिर जाते हैं उस गणपति जी का मंदिर का नाम क्या था मोती डगरू गणपति जी मंदिर जा रहे हैं हम वहाँ से दर्शन। तो चलिए चलते हैं। ऐसा ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसा ठीक है यार भूल जाते हैं। अरे हमारे ब्लॉगर का आप वो देखो बटुआ बहुत अच्छा है। चलो आप फटाफट नाश्ता वास्ता करके मंदिर मंदिर है तो यहाँ देखो टूरिस्ट को नहीं। अपन क्या है अपन भी तो टूरिस्ट है फॉरेनर्स। हाँ तो वो चले ना चले। तो हम आ चुके हैं गणपति जी के मंदिर में। तो हम यहाँ पर दर्शन वर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जाते हैं अंदर दर्शन वर्शन और आपको भी दर्शन करवाते हैं गणपति जी के। बहुत ही गणपति जी के मंदिर में आके आनंद आ जाता है। अपन चलते अंदर दर्शन करके आते हैं। तो गणपति जी के दर्शन करके आ गए। मंदिर बहुत ही शानदार है बहुत ही अद्भुत बना हुआ। आपने भी देखा कि कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो बस दर्शन करके मन खुश हो गया। गणपति की मूर्ति भी बहुत प्यारी है। दर्शन वगैरह कर चुके हैं चलते हैं दूसरी जगह। हाँ पर चलते वो आगे आपको बढ़ गया था काय का पोस बड़ा ओके ऐसा क्या ये पोस बड़ा होता क्या पंडित जी आप बताएंगे। मोती डूंगरी वाला मंदिर है वहाँ पर होगा 28 दिसंबर और यहाँ होगा 10 जनवरी को। तो ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पर बड़े मिलते हैं तो वो खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं वैसे तो। अब यहाँ रहेंगे तो सर ही नहीं इतने लंबे में। चलो फिर कभी होगा ऐसा टाइम मिलेगा तो बड़ा खाने जरूर आएंगे भूख लगेगी। चलो अभी चलते हैं अब खाना नाश्ता पानी करते फटाफट फिर अगले चलते हैं। Thank you.
झूला झूला करना है, उसको झूला झुला रहे हैं। फिर बापू बाजार जाएंगे, बापू बाजार यहाँ का बहुत फेमस है, और एक टोरी बाजार भी है, तो वो भी घूमेंगे। आज बापू बाजार कवर करेंगे, यहाँ का फिर स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे और फिर इंजॉय करेंगे पूरा बापू। अभी चलते हैं 10-15 मिनट में बापू बाजार, जब तक मेला घूम लेते हैं। जयपुर का सबसे फेमस मार्केट में से एक है ये, हम यहीं पे घूमेंगे करेंगे और यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, वो शॉपिंग वगैरह करते हैं और आपको थोड़े से मार्केट का व्यू दिखाते हैं, है ना। तो देखिए आप मार्केट का व्यू जयपुर में, जयपुर में सबसे बेस्ट प्लेसों में से एक है घूमने आते हो तो आप बापू बाजार ज़रूर आना। आपको शॉपिंग वगैरह करना है, यहाँ खाने पीने की भी दुकानें बहुत फेमस हैं, तो आप वो भी यहाँ पर आओ तो ज़रूर देखना। दोस्तों ये बापू बाजार का नाइट कल्चर है, यहाँ पर बहुत मतलब ये जो दुकानें हैं बेसिकली तो 8 बजे तक चालू रहती है पूरे बापू बाजार की। तो यहाँ पर नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा घूमना के काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सभी तरीके के मिक्स है। काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी है वो मैं बताऊँगा नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट है। अब थोड़ा और सामान लेंगे फिर बापू बाजार मार्केट, और फिर इस ब्लॉग पर एंड करेंगे आज के दिन। तो अब वो घूमते भी मार्केट नाइट कल्चर वगैरह भी आपको मैं दिखूँगा, तभी थोड़ा बापू मार्केट डूब देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप कहाँ आएंगे। खाना वाना खाना बहुत जोर की लग रही है नाश्ता वास्ता, तो वो करेंगे। तो ठीक है, बापू मार्केट आप देख सकते हैं पीछे इतनी सारी शॉप्स हैं। ये भैया हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इकरार। मोहम्मद इकरार, ये इनकी यहाँ पर शॉप है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह की, ग्रास का आइटम है, ये ग्रास आइटम है। आपको क्या की पूरी दुकान है, तो भैया ये अपने किस प्राइस से स्टार्ट है? ये 100 रुपीज़ से। अच्छा, तो ये पूरा आपकी दुकान पे अभी कोई आए तो किस लोकेशन पे है? ये सरोजी मेंशन सरोजी का यार रिंग रोड। मेरे को भूख लग रही है, जब तक मैं कुछ खुमा नहीं ना तब तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम आ गए नेहरू मार्केट में, यहाँ पर हम खाएंगे खाना और पेट पूजा करेंगे, भूख लग रही बहुत जोर की, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बापू बाजार वगैरह तो हो गया घूमने, अब यहाँ पर खाएंगे पिएंगे और फिर जाएंगे और कुछ देखेंगे अब आगे तक। तो चलते हैं खाना पेट पूजा करने। तो दोस्तों हम आए खाना खाने भी, फिलहाल भूख बहुत जोर की लग रही थी। अभी नीलम के ढाबे पर आए, खाना वाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे, कहाँ पर वो पता नहीं, अभी खाना खाना का इंजॉय करते हैं पहले, है ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट, आपको उसका व्यू दिखाता हूँ मैं ऊपर से किस तरीके का व्यू है, है ना, देखिए आप।
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Midnight. तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि हम पूरा मार्केट वगैरह आज का पहला दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा हमारा। हम सुबह नसीराबाद से यहाँ पर आए थे, तो नसीराबाद से आने के बाद यहाँ होटल में फ्रेश वगैरह हुआ, फिर हम बिलरा मंदिर और गणपति जी के मंदिर गए, और फिर उसके बाद हम बाजार बाजार घूमा, बापू बाजार घूमा, नेहरू मार्केट घूमा, फिर खाना वाना खाया, अपने ये सारी चीज़ें देख ली। आज का कुछ दिन इस तरीके से रिया था, आपने देखा काफ़ी था बेहतरीन दिया था। अब कल का जो टूर रहेगा वो पूरा एक नया फ्रेश ब्लॉग में रहेगा। कल सारे किले वगैरह जाने वाले हैं, अजमेर फोर्ट, हवा महल और जितने भी किले वगैरह हैं ये सब जगह जाने वाले, टॉप टॉप किले प्लेस वगैरह में, तो वो आपको सारी कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो कल का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कल सुबह से, आज का ब्लॉग यहीं तक डे वन का, तो बस अभी इस ब्लॉग में इतना ही, और बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप नीचे बताएं कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ थिंग लगी थी नीचे कमेंट करके, और आपके कोई और सुझाव हो जयपुर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए था हमें, ये सब भी आप नीचे कमेंट करके बताना। कोई चीज़ वगैरह रह गई होगी हमसे तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताना, अगली बार वो भी कवर करेंगे। तो बस आज की, तो बस इस व्लॉग में इतना ही, अब अगला व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, तो वेट कीजिए, कुछ 3-4 दिन वाला व्लॉग भेजेगा जयपुर का सेकेंड व्लॉग, सेकेंड डे वाला व्लॉग। तो बस इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।